फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशे का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए, मैंने इसमें 30 चैन बुन ली हैं और मेरा क्रोशे नंबर देखिए 10 है। अब हमने जो इसकी फर्स्ट रो बुननी है, तो फर्स्ट रो बहुत ही सिंपल है। आपने हर चेन में फ्रेंड्स इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फ्रेंड्स, ये देखने में तो बहुत प्यारा है और बनाने में बहुत इजी है। आपने फर्स्ट रो जो बुननी है सिंगल क्रोशे से बुननी है इस तरह। तो मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए, मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशे से। अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे, आपने एक चैन बुननी है और ये देखिए, फिर आपने ये देखिए सिंगल क्रोशे से एक, दो और तीन बुनेंगे। तीन बुनने के बाद फ्रेंड्स, आपने देखिए फोर वाली में सिंगल क्रोशे से बुनने के बाद आपने एक बड़ा सा फंदा लेना है। और आपके पास अगर पेन है या पेंसिल है, कुछ भी है, आप उसे इस तरह से इसमें रखेंगे और इस फंदे को इसमें डाल देंगे इस तरह से। फिर आपने देखिए सेकंड वाले में भी इसी तरह करना है। सिंगल क्रोशे से बुनने के बाद बड़ा सा फंदा लेना है और इसके अंदर डालना है इस तरह से। फिर देखिए इसमें लेना है इस तरह से। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ये चैन हैं, इनमें सिर्फ जैसे यहाँ शुरू के तीन किनारे थे, ये तीन छोड़ के बाकी सब में हमने सिंगल क्रोशे से ही बुनने के बाद बड़ा सा फंदा लेना है। तो इस तरह से मैं सेकंड रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। एंड इस तरह से देखिए, मैंने हर चैन में बड़े फंदे बना लिए हैं सिंगल क्रोशे से बुनने के बाद। फिर मैंने उसमें बड़े फंदे डाल लिए हैं और अब देखिए लास्ट पर आ गए हैं। जैसे किनारों में हमने तीन बनाए थे, तीन छोड़े थे, इसी तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ तीन छोड़ दिए हैं और अब हम इन तीनों में सिंगल क्रोशे से इस तरह बुनेंगे, एक, ये दो और ये लास्ट वाला हमारा तीन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इन सबको निकाल देना है। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, अब आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे, किनारे के तीन बनाने हैं आपने। तो एक तो हमने चैन से बना लिया है और एक दो हम डबल क्रोशे से बुन लेंगे इस तरह। इस तरह डबल क्रोशे से बुनने के बाद इसे छोड़ देंगे और इन फंदों को फ्रेंड्स हमने देखिए दूसरे वाले, ये हमारी क्रोशिया है, तो हम दूसरे इन सारे फंदों को इस तरह से इस क्रोशिया पे डाल लेंगे ताकि हमारे फंदे निकलें या छोटे बड़े नहीं हों, इस तरह से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे फंदों को आपने दूसरे क्रोशिये पे या सिलाई पे, जो भी आपके पास हो, इस तरह से आप डाल लीजिए। डालने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए इसमें तीन तीन के हिसाब से फंदे लिए हैं, यानी एक बार में तीन बनेंगे। तो देखिए ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है, तीन 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 के हमने जोड़े बनाए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद आपने तीन चैन बुननी है। ये देखिए यहाँ से आपने तीन चैन बुननी है, ये देखिए एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे। और तीन चैन बुनने के बाद देखिए ये तीन है, तीन के देखिए ये एक, दो, तीन, तीन के देखिए बीच में यहाँ यहाँ आपने इस तरह से लेना है और सिंगल क्रोशे से इस पर एक बुनना है इस तरह। फिर आपने तीन चैन बुननी है, एक, दो, तीन, तीन चैन बुनने के बाद देखिए ये कस गया है, तो अब आप इसे इस तरह से छोड़ सकती हैं। फिर आपने देखिए ये तीन चैन बुनने के बाद एक, दो, तीन, इन तीन के बीच में से यहाँ आपने इसके बीच में इस तरह से
सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर आपने तीन चैन बुननी है, एक दो तीन, तीन चैन बुनने के बाद आपने इसको भी छोड़ देना है। फिर आपने ये देखिए तीन है, इन तीन के बीच में से इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है और फिर एक दो तीन, तीन चैन बुननी है और इसे भी छोड़ देना है। फिर एक देखिए तीन, तीन के बीच में से बुनना है इस तरह और फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इसे छोड़ देंगे। फिर देखिए ये तीन है, तीन के बीच में से बुनना है, यानी हमें इसके बीच में इस तरह से इससे बुनना है और फिर एक दो तीन। देखिए फ्रेंड्स, फिर एक दो तीन, तीन के बीच में यहाँ इस तरह से, फिर आपने एक दो तीन। फ्रेंड्स ये हमारी थर्ड रो है, फिर इसको छोड़ दीजिए और ये लास्ट में जो बचे हैं इनको भी इसी तरह बुनेंगे। फिर तीन चैन बुनेंगे, एक दो और तीन, फिर इसे भी छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आपने एक बल लेना है और यहाँ किनारे के तीन डबल क्रोशिया से बुनने हैं, एक दो और ये तीन। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है, इस तरह से बनेगी थर्ड रो। फ्रेंड्स अब हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी, फोर रो बुनेंगे। तो फोर रो देखिए, आपने सिंगल क्रोशिया से पहले किनारे पे आपने तीन बुनने हैं इस तरह से, तीन हो गए। तीन के बाद अब आपने देखिए क्या करना है, इसमें से फर्स्ट में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर सेकंड वाले फंदे में बुनना है इस तरह और ये थर्ड वाले फंदे में इस तरह से। तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से पहले फंदे में, फिर ये दूसरे फंदे में और ये तीसरे फंदे में इस तरह से, ये देखिए एक दो तीन, फिर ये देखिए एक दो और ये तीन, फिर ये देखिए एक दो तीन, फिर ये देखिए अब आपने बस आपने हर तीनों में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है। देखिए एक दो तीन, फिर ये एक दो तीन, कमी नहीं आज मुझे बहुत इस तरह से सिंगल क्रोशिया से पहले फंदे में, फिर ये दूसरे फंदे में और ये तीसरे फंदे में इस तरह से, ये देखिए एक दो तीन, फिर ये देखिए एक दो और ये तीन, फिर ये देखिए एक दो तीन, फिर ये देखिए अब आपने बस आपने हर तीनों में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है। देखिए एक दो तीन, फिर ये एक दो तीन, देखिए इस तरह से। फिर आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया से ही इसके किनारे के तीन बुनने हैं, एक बुन लिया दो और ये तीन।
आपको देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बनेगा। ये देखिए, देखिए फ्रेंड इस तरह से फोर रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ रो जो बुनेंगे आपने, फिफ्थ रो में देखिए एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए हर चैन में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो फाइव रो तो बहुत इजी, आपने फाइव रो में हर चैन में सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो फ्रेंड्स मैं इस फाइव रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि सिक्स रो में हमें क्या करना है। फिफ्थ रो मैंने सिंगल क्रोशे से देखिए कंप्लीट कर ली है। अब सिक्स रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स, तो सिक्स रो देखिए, देखिए अब सिक्स रो बुनेंगे तो सिक्स रो देखिए यहाँ आपने पलटना है और देखिए एक दो और एक बुन ली थी, तीन तीन चैन बुनेंगे और किनारों के डबल क्रोशे से थ्री टाइम बुनेंगे। एक चैन हो गई और दो बार हमने बुन लिया है। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से एक बार बुनना है। बुनने के बाद आपने बड़ा फंदा लेना है, इसे आपने फ्रेंड्स देखिए बड़े फंदे बनाने हैं। तो इस तरह से बड़े फंदे बनाएंगे अब हम। ये देखिए जैसे हमने नीचे बुना था बिल्कुल उसी तरह से हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। और देखिए फिर आपने इस बड़े फंदे को इस पैन पे या पेंसिल पे जो भी आपके पास है उस पे चढ़ाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह रखिए, ये देखिए इस तरह रखिए, देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं पूरे चैनों में जितने आएंगे उतने बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने सारे फंदे बना लिए हैं और लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट के किनारों के हम तीन इसी तरह बुनेंगे, एक सिंगल क्रोशे से, दो, ये तीन, तीन के बाद अब हम सारे फंदे आराम से निकाल लेंगे इस तरह। और निकालने के बाद आपने इस तरह से देखिए फिर आपने इन सारे फंदों को दूसरे क्रोशे पे रखना है इस तरह से। फिर अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फिर से आपने एक दो और तीन, तीन चैन बुननी है और तीन चैन के बाद आपने इस तरह से एक दो बुनने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए ये तीन है तो तीन को आपने इस तरह से इसके बाद आपने तीन चैन बुननी है, एक दो तीन, और तीन चैन बुनने के बाद इसके बीच में इस तरह से फिर एक दो तीन इसे छोड़ दीजिए। फिर ये देखिए तीन है, इधर से आपने फिर से इसी तरह बुनना है, एक दो तीन इसे छोड़ दीजिए, फिर इन तीन को इस तरह बुनना है। एक दो तीन, तीन के बाद इसे छोड़ दीजिए और इस तरह से एक दो तीन इसे छोड़ दीजिए। फिर देखिए यहाँ आपने तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तीन सेवन रो भी कंप्लीट हो गई हैं और अब एट रो जो बुनेंगे एक चैन बुनेंगे और देखिए पलटने के बाद आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए एक दो और ये तीन किनारों के तीन इसी तरह बुनेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड हर चैन में आपने सिंगल क्रोशे जैसे नीचे बुना था तो बस बिल्कुल उसी तरह बुनना है, एक दो ये तीन। और देखिए इसकी लुक इस तरह से है जैसे नीचे बनाया था, बिल्कुल इसी तरह बन चुका है। बस फ्रेंड्स ये फोर ही रो का डिज़ाइन था, आपने इन फोर रो को रिपीट करना है और आपका बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए
तो मैं इस तरह से इस रो को कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए हमारा डिजाइन देखिए कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपने सिर्फ ये फोर रो हमने ऊपर रिपीट कर लिया और ये फोर ही रो का डिजाइन था, और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।